So hello and once again welcome to the show that is struggling to get 50 views. Welcome to First Day First Show, and today we are going to discuss Ray, which is streaming on Netflix. It's an anthology series. So first and the most important question, how did you like it, Amit? I was expecting more, but my favorite 4 episode hai total series mein, aur mera favorite hai Hangama Kyun Hai Barpa. Directed by Abhishek Chaubey, starring Manoj Bajpayee. Yes. तो मेरी तो वही फेवरेट है. और अगर मुझे सेकंड फ्लोर मतलब बताना है तो वो होगा स्पॉटलाइट, डायरेक्टेड बाय वसंत बाला, स्टारिंग हर्षवर्धन कपूर. Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये सत्यजीत रे द ग्रेट लेजेंड के शॉर्ट स्टोरीज के ऊपर बेस्ड है. ठीक है. और श्रीजीत मुखर्जी ने 2 एपिसोड डायरेक्ट किए और मतलब अच्छा जॉब किया उन्होंने, लेकिन कंपेयर टू अभिषेक चौबे नहीं, वो अलग ही लेवल का लग रहा है. यस, हर मामले में. तो इन शॉर्ट मेरे हिसाब से अगर देखना स्टार्ट करें तो पहला एपिसोड जो है हंगामा क्यों है बर्फा वो देखना चाहिए, कि थर्ड एपिसोड है वो फर्स्ट एपिसोड आना चाहिए. मैं उल्टा रेकमेंड करूंगा, लाइक वॉच द बेस्ट इन द लास्ट. सो वॉच 1, 2, 4 एंड देन कम बैक टू 3. मेरे हिसाब से थर्ड फर्स्ट होना चाहिए था हंगामा क्यों बर्फा, उसके बाद स्पॉटलाइट होना चाहिए था, नहीं स्पॉटलाइट लास्ट होना चाहिए था, और बीच में 2 होने चाहिए थे, बेरोपिया और फॉरगेट मी नॉट. बाय द वे हर एपिसोड में एक चीज कॉमन है, सब एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया. हाँ, सीरियसली मतलब ब्रो क्या एक्टिंग किया उसने भी. यस, अली फजल ग्रेट, केके मेनन ऑब्वियसली ग्रेट, श्वेता बासु प्रसाद if I'm not wrong, even Harshvardhan Kapoor ne acha acting kiya hai. Yes, he can act. He can obviously act. Aur mujhe pata hai kya, mujhe pehli baat to wo bahut hi unique laga spotlight, matlab wo stand out karta hai baki team se. Theek hai, ha matlab ha, story was very very unique compared to all 3. uska treatment hi alag tha, matlab usme music ka bahut acha use hai, सुन सकते हैं म्यूजिक, मतलब लिटिल बिट फास्ट पेस म्यूजिक है उसमें, क्वर्की डायलॉग्स है, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स है, लोकेशन है, स्टोरी डायलॉग डायलॉग्स अगर देखा जाएगा तो बेस्ट उसमें ही है, स्पॉटलाइट में ही लाइक बेस्ट एजी विटी ह्यूमर वाले डायलॉग्स उसमें ही है. एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है. बस वो तो लास्ट पार्ट है ना, उसकी वजह से थोड़ा चेंज हो जाता है. मुझे वो क्लाइमेक्स तो ऐसी प्रॉब्लम हुआ. हां, क्लाइमेक्स वाज क्वाइट अंडरवेलमिंग, वी शुड से, और ओवरवेलमिंग. आई डोंट रियली नो हाउ टू यूज दैट. और लाइक जो फर्स्ट 2 है, फॉरगेट मी नॉट और बेरूपिया में केके मेनन लाइक ब्रो क्या मतलब सुपर्ब एक्टिंग किया है केके मेनन ने. लाइक ही इज द ओनली रीजन that you will watch the entire 50 minutes of that short story. Aur jo first tha forget me not uska if you matlab dekhne ke baad aisa lagta hai ki we have watched similar stories. Haan. But jo film ko wo jo story ko carry karta hai, it was completely on the actors and the way और इवन जो क्लाइमैक्स में जो उन लोग ने थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी लेके जो थोड़े बहुत बिट्स एंड पीसेस ऐड किए हैं अली फजल के कैरेक्टर के लाइफ के इन अ सर्टेन प्लेस वेयर ही इज लिविंग, वो भी मुझे बहुत सही लगा. मुझे एक्चुअली ना सेम फॉरगेट मी नॉट में जो एंड था ना, वो एंड थोड़ा ये हो गया. अगर उसको प्रॉपरली दिखाते, मतलब स्मार्ट वे में दिखाते, स्मार्ट वे में इतना आर्टिस्टिक क्रिएटिव वे में दिखाने की कोशिश नहीं करते, सिंपल फीड करते ऑडियंस को, तो बेटर रीच होता. वही 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 हुआ है दोनों भी फिल्म्स के साथ जो मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है. ट्राइड टू बी सो मच मोर देन दे वर, सो मतलब कुछ ज्यादा ही आर्टिस्टिक करने के चक्कर में वो थोड़ा इट वाज क्वाइट अंडरवेलमिंग. बेरूपिया ऑन द अदर हैंड उसका स्टार्ट मिडिल एंड तीनों मुझे अच्छा लगा. ठीक है, लेकिन ओवरऑल स्टोरी बहुत अच्छा है, पर फिर भी वो कनेक्ट क्यों नहीं करता पता नहीं.
बहरूप, उसमें मिस्ट्री बहरूपिया है। में एक और सीन जो था लाइक, बट वी कैन ऑल्सो से कि टाइम टाइम लिमिट का भी थोड़ा ये था कि लाइक अगर नहीं बहरूपिया नहीं मतलब अगर वो के मैनन के कैरेक्टर और उनके दादी के बीच के थोड़े और सीन्स होते उनका, मतलब हाँ जो अफेक्शनेट बॉन्ड रिलेशनशिप था वो लोग का, वो अगर और थोड़ा होता ना उसमें, तो वो और थोड़ा इमोशनली अपीलिंग हो जाता था. नहीं, एक्चुअली मुझे मोटिव समझ में नहीं आया करेक्टर का, एम समझ में नहीं आया, वो प्रॉब्लम हुआ। उसके लिए पर्सनल है ये चीज, हाँ पर वो क्यों है, वो क्यों कर रहा है ऐसा, वो समझ में नहीं आया। सो आई डोंट नो इफ दिस विल बी अ स्पॉइलर और नॉट, बट हु गिव्स अ फक. सो लाइक वो जो पीर बाबा का कैरेक्टर था, हाँ हाँ, तो वो कैरेक्टर ने देख एक डायलॉग बोला था के मैनन को कि लाइक ऐसे ही होता है जब हर कोई सोचता है कि वो हाँ भगवान बन चुका है, सो मे बी वो बाबा को रॉन्ग प्रूव करना हो, या फिर जो बचपन में के मैनन की दादी ने कहा था कि लाइक हम लोग भी भगवान हैं, हम भी हाँ बनाते हैं, लोगों को बनाते हैं, उनको नया रूप हाँ देते हैं. सो मे बी ही मतलब वो कुछ ज्यादा ही वो डायरेक्शन में फोकस हो गया, और के मैनन के कैरेक्टर को ये प्रूव करना था कि लाइक ही इज गॉड, ही कैन क्रिएट अदर ह्यूमन हाँ बीइंग. बट तो वही इफ यू हैव नॉट अगेन वॉच द ट्रेलर, के मैनन इज अ ग्रेट मेकअप आर्टिस्ट इन कोलकाता, तो दैट्स व्हाई ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज अ क्रिएटर ऑफ ह्यूमन. और मेन बात करते, ठीक है, पहले स्पॉटलाइट पे बात करते हो। ट्रीटमेंट का तो है, उसमें क्वर्की डायलॉग्स है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, हाँ यस म्यूजिक का यूज मुझे बेस्ट लगा उसमें, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, इवन उसके सीन्स जो जैसे एक्ट आउट हुआ है बहुत नेचुरल है। हर्षवर्धन कपूर हाँ ने और उसके मैनेजर ने बहुत अच्छा रोल किया। बहुत, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा यार वो बंदे का, आई फील सो सॉरी इवन फॉर इवन दैट. दीदी दीदी का कैरेक्टर भी बहुत हाँ अच्छा। गाने बस का वो मजा ही एंड थोड़ा अगर थोड़ा और कुछ बिलीव और, हाँ कुछ और होना चाहिए था एंड. बट ये मुझे हाँ लगता है ये चीज उसको ग्रेट बनाती है, मतलब थोड़ा रियलिटी से ऊपर बनाती है, ज्यादा रियलिस्टिक नहीं रखा इसलिए। पर मैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट दैट वी बोथ फाउंड वाज द बेस्ट. तो एक्चुअली मैंने ना उसका एंड गेस कर लिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका एंड गेस करने के बाद भी ट्विस्ट निकला, मतलब जो मैंने सोचा था वो पूरा एंड वैसा नहीं निकला। मतलब तूने गेस किया था कि लाइक वो रिटर्न कर देगा. नहीं, मैंने गेस अच्छा किया था कि वो रिटर्न करेगा, लेकिन उसकी वो रिंग उसकी चोरी हो जाएगी। ह्यूमैनिटी को देख के वो वापस दे देगा उसको. नहीं, उसकी रिंग चोरी करने वाला, ये मैंने गेस कर लिया था, अच्छा, ओके ठीक है, वो वाला पार्ट. हाँ 100% मैंने गेस कर लिया था कि ये होने वाला है, अदरवाइज वो रिंग दिखाने का कोई पॉइंट नहीं था सीन में, ठीक है। तो मैं बोला ये होने वाला है, और लास्ट में जब वो आता है उसके पास हाँ और वो बोलता है कि ये दुकान पे दे देना घड़ी, ठीक है, तो मैं सोचा क्या होगा, लेकिन जो अलग ट्विस्ट है उसमें वो परफेक्ट बैलेंस है, ठीक है, वो आर्टिस्टिक भी है और हाँ क्रिएटिव भी है। हाँ एक और चीज लाइक स्टार कास्ट अगर देखेंगे तो हंगामा क्यों है बरपा की बेस्ट स्टार कास्ट थी. लाइक देयर हाँ वाज गजराज राव, मनोज वाजपेयी, गजराज राव, देन देयर वाज मनोज बावा एंड रघुवीर, रघुवीर यादव. बहुत ऑब्वियसली सही बहुत सही. और जो जूनियर जूनियर आर्टिस्ट भी थे, जूनियर आर्टिस्ट हाँ बोलना ठीक, हाँ, जो दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी थे वो भी मतलब वेल नोन फेसेस है. सो द कास्टिंग ऑफ हंगामा क्यों है बरपा वॉज बेस्ट. और एक और चीज नोटिस किया, ये फिल्म अभिषेक चौबे के लास्ट जो दो मूवीज है उससे कितनी अलग है, हाँ बहुत अलग, लाइक उड़ता हर पंजाब चीज में, एंड हाँ हर चीज में अलग, हर एस्पेक्ट में हाँ अलग। मूवी का टोन अलग है, मूवी का डायलॉग्स अलग है, मूवी का डायरेक्शन अलग है, एडिटिंग स्टाइल अलग सिनेमाटोग्राफ है, अलग है, सिनेमाटोग्राफ डायरेक्शन स्टाइल अलग है. बहुत सही. ये एक ही फिल्म अलग। थी, ये एक ही फिल्म थी जो मैंने सबटाइटल ऑन करके देखी थी, बिकॉज कोई कोई हाँ उर्दू वर्ड्स वो ऐसे यूज कर रहे थे कुछ समझ ही नहीं रहा था, तो फिर पॉज करके मीनिंग पढ़ना पड़ रहा था. मतलब मनोज वाजपेयी कितना कन्विंसिंग एक्टर है। अभी फैमिली मैन सीजन 2 देखा था, ठीक है, उसमें श्रीकांत जैसा भड़कता और बोलता है, जो उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, जो यस गाली देता है, और यहाँ पर वो एकदम फ्लुएंट उर्दू बोल रहा है, बिलीवेबल है, हाँ यस बहुत सही. मतलब कितना कितना अच्छा एक्टर है भाई।
बिल्कुल इवन लिटरली हंसा गजराज हंसा राव का कैरेक्टर भी यार हाँ पहलवान बहुत सही लगा यार मेरे को, बहुत सही लगा वो कैरेक्टर। मतलब उनके एक तो टू स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन मतलब ये हिचकॉक हिचकॉक के हाँ टाइम से चल रहा है हाँ ये एक प्रीमाइस में ही मिस्ट्री है कि दो स्ट्रेंजर है अभी पता चलेगा कि दो स्ट्रेंजर का अपना अपना स्टोरी है एक और चीज जो लाइक वाज द बेस्ट वाज द क्रेडिट्स, मतलब जो स्टार्टिंग में जो क्रेडिट रोल होता है ना हाँ वो एनिमेटेड वाला पूरा सीक्वेंस, वाह ब्रो वो बहुत सही था, बहुत सही था। इवन उसमें भी थोड़ा वाइब आता है, ओल्ड हॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर्स का थोड़ा वाइब आता है वो टाइटल एग्जैक्टली ट्रैक में भी। और पता नहीं नेटफ्लिक्स इंडिया का एंथोलॉजी और इंडिया का गोस्ट स्टोरीज लव स्टोरीज अभी रे एंथोलॉजी सीरीज बनाने में बहुत बट अगर वो तीनों में से रैंक करना होगा तो ये बेस्ट है, हाँ ये बेस्ट है नो डाउट क्योंकि गोस्ट स्टोरीज वाज वर्स्ट एंड दिस इज द बेस्ट। क्योंकि मतलब ये इसका बेस ही सत्यजीत रे के ऊपर है तो हाँ वो तो है ही, मतलब ऑब्वियसली लाइक बना बनाया मटेरियल मिल गया था। बट लाइक मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें जो फॉरगेट मी नॉट में जो फीमेल कैरेक्टर्स है वो है ही नहीं। सो ये सीरीज के लिए राइटर हैज टू डू सम क्रिएट टेक सम क्रिएटिव लिबर्टी और फिर वो फीमेल कैरेक्टर्स ऐड किए। एक्चुअली फॉरगेट मी नॉट नॉट ना बहुत अच्छा है हाफ बहुत अच्छा है हाँ मतलब इसका बहुत सही है। बिल्डअप होता है ना सस्पेंस एक एक मतलब देर इज अ मैन मेमोरी ऑफ अ हाँ कंप्यूटर सक्सेसफुल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर ठीक है और एक चीज चुभ रही है उसके दिमाग में बस एक चीज हाँ अब ये मिस्ट्री जो रिवील क्या है ना रिविलेशन में प्रॉब्लम है जो ग्रेट रिवील होता है ना जो क्रिस्टोफर नोलन बेस्ट हैंडल करता है हमेशा उसके ऐसा हाँ रिवील कोई नहीं कर सकता ये हाँ रिवोल्यूशन में प्रॉब्लम हो गया यस कुछ नहीं लोगों को तो समझा नहीं होगा ओवरऑल रिवोल्यूशन बहुत बहुत सही है वो, बहुत सही है हाँ वो, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत बहुत सही है बहुत सही वो है। फॉरगेट मी नॉट बट अगेन ऐसा मुझे लगता है ऐसा कंटेंट बनाने के लिए एनकरेजमेंट करना चाहिए नेटफ्लिक्स को और न्यू हाँ टैलेंटेड डायरेक्टर्स जैसे कि वसंत बाला लास्ट हम मन को हैं, दर्द नहीं होता मूवी थी हम भी नहीं हैं यस प्रूफ कि वो टैलेंटेड है ये। हाँ ऑब्वियसली भाई क्या जबरदस्त मूवी है, हम वी हैव वॉच्ड इट ट्वाइस इन थिएटर सो दैट्स हाउ ग्रेट दैट तो फिल्म अगेन इज। मर्द को दर्द नहीं होता नहीं देखा तो वसंत बालन डायरेक्ट किया है गुलशन देवा स्टारिंग है विद राधिका मदन वन ऑफ द बेस्ट एक्शन कॉमेडी ऑफ इंडिया यस यस महेश मांजरेकर इज ऑल्सो देयर एंड वी बोथ आर डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द लीड एक्टर बट ही इज सन ऑफ भाग्यश्री, वी नो दैट। अभिमन्यु दसानी आई नो हाँ अभिमन्यु दसानी, सॉरी ही इज सन ऑफ भाग्यश्री ना। हाँ राइट, तो चलो देयर उतना इज पार्ट तो नथिंग याद है। आई बस मैं इतना बोलूंगा कि स्टार्ट करो देखना और सबसे पहला एपिसोड यही देखना हंगामा क्यों बरसा हाँ जैसे भी देखना है देख लो। ऑल आर अबव 50 मिनट्स एंड स्पॉटलाइट इज द बिगेस्ट लॉन्गेस्ट सॉरी विथ ओवर 1 आर 2 मिनट्स, 2 और 3 मिनट्स। यस हाँ और सब इट्स सब ग्रेट है रियली तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाला हाँ मतलब सब बहुत अच्छी है बट वंस यू वॉच्ड ऑल हंगामा क्यों है बरपा इज द स्टैंड पेडेस्ट्रियल आउट और जो बाकी के हैं वो मैच नहीं कर पाते, सो यू आर क्वाइट लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग डिसअपॉइंटेड बट ओवरऑल इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड ये देखने के बाद इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट सत्यजीत रे प्लीज गूगल हिम एंड स्टार्ट वॉचिंग हिज फिल्म, ओल्ड स्टार्ट मूवी फ्रॉम अप्पू ट्रिलॉजी। यस यस स्टार्ट फ्रॉम दैट फिल्म दैट ट्रिलॉजी, इट्स रियली ग्रेट। दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड देखो ये यस सीरीज प्लीज वॉच द सीरीज एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट। बाय बाय।